अगर हम लोगों को दिया हुआ है a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वेक्टर a में प्लस करना है माइनस बी को। यानी जो कॉन्सेप्ट हमारा एडिशन का सीखा गया है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे, केवल जिसे हम लोग घटाना है ना केवल उसके डायरेक्शन को उलट देना है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये वेक्टर ए है और इसमें हमें वेक्टर बी को जोड़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी को पहले माइनस बी कर देंगे, यानी इसको उल्टे डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ये बी से क्या हो जाएगा माइनस बी। और अगर ए और बी के बीच का एंगल हमारा थीटा हो, है ना, तो अब हमें ए और माइनस बी यानी ए और माइनस बी को जोड़ना है, इसलिए हम ए और माइनस बी को लेते हुए एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसके बाद इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, है ना, यही डायगोनल हमारा ए प्लस माइनस बी कहलाएगा। और इसमें जो फार्मूला होगा रिजल्टेंट का, यानी कि a प्लस माइनस बी का, है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा वो सारा सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा होगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो थीटा हम लोग लेंगे ना वो थीटा a और b के बीच का लेंगे, ये a और ये b के बीच का थीटा लेंगे, समझ में आया, थीटा इन दोनों के बीच में रहेगा, है ना, और क्योंकि b को निगेटिव किया गया है तो यहाँ पर तो b का स्क्वायर प्लस में ही हो जाएगा और बाकी ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा वही रिजल्ट सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। लोग यह सीखना चाहेंगे कि वेक्टर a और वेक्टर b कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इसके लिए आप एक उदाहरण देखिए। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और एक और वेक्टर हम यहाँ पे बी ले लेते हैं और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है ना। अगर हम लोग बी को रिजॉल्व करेंगे तो बी को रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो हिस्से आएंगे, एक ये जो हिस्सा आएगा ये हिस्सा ये कहलाएगा b cos थीटा और ये जो हिस्सा आएगा ये कहलाएगा क्या b sin थीटा। अब देखो हम लोग देखते हैं कि वेक्टर a एंड b cos थीटा ये दोनों सेम लाइन में है, जबकि a और जो b साइन थीटा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देख लो a और b कॉस थीटा सेम लाइन में है और a और b साइन थीटा परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम a में और b कॉस थीटा में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और a में और b साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब a और b cos थीटा जो कि सेम लाइन में है मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम लाइन के कारण इसको बोलेंगे क्या स्केलर क्वांटिटी और ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और इसलिए इसको डिफाइन किया गया है पहला a डॉट b, डॉट का मतलब हो गया स्केलर प्रोडक्ट, है ना, तो स्केलर में क्या होगा ये दोनों गुना होगा तो गुना होकर क्या आ जाएगा, आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। जबकि इसी में हम लोग अगर ऐसे करेंगे क्रॉस अगर लिख देंगे यानी कि ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा ये दोनों गुना होगा तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ और एक इसका और डायरेक्शन एन कैप होगा, ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, और ये जो यूनिट वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग
इस तरीका से एक प्लेन ले लें, ये एक प्लेन है ठीक है, और इस प्लेन में मान लेते हैं कि इधर ए है ना, या सॉरी इसको बी मान लो, मान लेते हैं ये बी है और इधर हम लोग ए मान लेते हैं और दोनों के बीच में थीटा है ना। तो जो ए क्रॉस बी होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, आएगा ना। देखो ये जो है ए पर भी 90 डिग्री बना रहा है और बी पर भी 90 डिग्री बना रहा है, तो जो परपेंडिकुलर है ना यही डायरेक्शन है एन कैप का, मतलब एन कैप जो होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ठीक है। तो यही यहाँ पर दो तरह का आता है, एक आता है डॉट प्रोडक्ट और एक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इन सभी को देखना चाहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है ना। तो इसको समझाने के लिए हम लोग पहले ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक हमारा वेक्टर ए है जो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप है, ये हमारा वेक्टर ए हो गया जो कंपोनेंट में बटा हुआ है, और एक बी दिया हुआ है जो मान लेते हैं आई कैप है माइनस 3 जे कैप है माइनस 2 के कैप है। तो इस तरीका से ए और बी दो वेक्टर हमारा हो गया। तो पहले हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी ए का मान निकाल लें, ए का मतलब ए का मैग्नीट्यूड है, तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्या 3 का स्क्वायर, ये वाला 3 प्लस फिर माइनस 2 का स्क्वायर फिर माइनस 5 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर जब रिजल्ट निकालेंगे, आप इसको मन में भी कर सकते हैं, ये 25 आएगा, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, तो आप इन सभी को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 25, ये आ गया 9, ये आ गया 4, और ये आ गया 38 ठीक है ना। तो इस तरीका से ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया, ऐसे ही बी का भी मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लें, तो बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और इसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 9 आएगा और ये 4 आएगा, यानी आ जाएगा 14। तो हमारे पास देखो ये ए और बी जो वेक्टर दिया गया था, हमने इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया है ना, और अब ए डॉट बी भी कर सकते हैं हम। तो ए डॉट बी में एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हम लोग आई डॉट आई करेंगे तो क्या होगा। तो रूल के अनुसार आई एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा है ना, और इन दोनों के बीच में कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ए की जगह पर भी आई है और बी की जगह पर भी आई है ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हुआ और दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, यानी ये तीनों 1 है तो रिजल्ट भी 1 आएगा। लेकिन अगर हम लोग आई डॉट जे अगर करते हैं तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, जैसे ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हमारा आई है और ये जो वाई एक्सिस है इसमें हमारा जे है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कॉस 90 डिग्री होगा और इतना बराबर 0 होता है। तो 1 और 0 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे यह पता लगता है कि डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम चीज़ों को गुना किया जाएगा, डिफरेंट चीज़ों को गुना करने पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग जब इसका डॉट करेंगे तो क्या आएगा ए, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे 3 आई कैप माइनस 2
जे कैप माइनस फाइव के कैप, और ये जो डॉट आएगा बी, बी की जगह पर क्या आएगा, आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, और ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू क्या है 38 और बी का वैल्यू क्या है 14, और यहाँ पे आ जाएगा क्या cos थीटा। अब वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर आई वाला को आई से ज्वाइंट गुना करो, जे वाले को जे से और के वाले को के से, तो क्या आ जाएगा 3 और 1 3 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 3 गुना करो तो प्लस 6, माइनस 5 और माइनस 2 तो क्या आ जाएगा प्लस 10 इक्वल टू अंडर रूट, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, इनटू कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 16, 19 यानी 19 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 38 इंटू 14 इंटू कॉस थीटा, इसलिए आप इससे कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाया गया कि जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो किस तरीका से काम करता है, समझे। अब हम ऐसे ही एक लेना चाहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को,